नमस्कार दोस्तों, आज हम अमल क्षारक एवं लवण एनसीईआरटी का अध्याय नंबर 2 साइंस का पढ़ने वाले हैं। क्या होता है जब एक परख नली में एक अमल का विलयन एक क्षारक के विलयन के साथ मिला दिया जाता है, तो देखिए परख नली में क्या होने वाला है। विलयन का ताप बढ़ जाएगा दोस्तों। अमल और क्षारक बन रहे मिल रहे हैं तो हमें पता है अमल और क्षारक मिलते ही लवण का निर्माण करेंगे, तो ये ऑप्शन सही होगा, एक और चार वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर देखिए एक जलीय विलयन लाल लिपस विलयन को नीला कर रहा है, निम्नलिखित में किस विलयन को अद्वितीय मिलाने पर यह परिवर्तन उल्टा हो जाता है, तो उल्टा कब होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने का। ठीक है दोस्तों, चार नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर देखिए एक आदर दिन में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के विचन के दौरान गैस को शामिल कैल्शियम क्लोराइड युक्त रक्षित नली में से गुजारा जाता है, तो रक्षित नली के लिए कैल्शियम क्लोराइड का कार्य है, क्या है इसके कार्य, ये क्या करेगी, नमी को अवशोषित करेगी, गैस है वो नमी को अवशोषित करने शुरू कर देगी। फिर देखिए निम्नलिखित कौन सा लवण क्रिस्टलीकरण जल नहीं रखता है, ये देखिए नीला तोता जल रखता है, CuSO4+H2O, डाउन सोडा रखता है, Na2CO3 10H2O, और जिप्सम भी रखता है 2H2O, ये नहीं रखता है, ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर। सोडियम कार्बोनेट क्षारीय लवण है क्योंकि यह लवण दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक है, देखिए दुर्बल तो अम्ल होगा इसके अंदर, क्षारीय प्रकृति का है तो इसलिए प्रबल क्षारक होगा। ठीक है, फिर देखिए दोस्तों हमें बताना है निम्नलिखित में कौन सा अम्लीय प्रकृति का है, तो नींबू का रस है वो अम्लीय प्रकृति का होता है, ये क्षारक है, ये भी क्षारक है, ये भी क्षारक है। गोल्ड को घोलने के लिए निम्नलिखित किसका उपयोग किया जाता है, गोल्ड को घोलने के लिए, गोल्ड और प्लेटिनियम धातु को घोलने के लिए एक बार रेजुआ का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें देखिए एक बार रेजुआ बनाने के लिए हमें HCl+HNO3 की आवश्यकता होती है, इसके 3:1 में ये विलयन होता है। निम्नलिखित में कौन सा एक खनिज अम्ल नहीं है, खनिज अम्ल कौन सा नहीं है, वो है हमारा फलों से प्राप्त होने वाला सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर 2 राइट है। ठीक है, फिर देखिए निम्नलिखित कौन सा एक क्षारक नहीं है, तो वो होगा ऑप्शन नंबर 4, ये क्षारक नहीं है। फिर देखिए निम्नलिखित कौन सा सत्य नहीं है, हमें बताना है सत्य नहीं है, ये देखिए प्रत्येक धातु ऑक्साइड जल से विक्रिया करके लवण और अम्ल देता है, ये गलत बात है, प्रत्येक धातु में इस प्रकार की कंडीशन नहीं होती है। फिर देखिए रासायनिक पदार्थ सुमेल मूल ए और बी से मिलाना है हमें, ब्लीचिंग पाउडर व्यंजन में बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा प्रति अमल में दावन सोडा कांच में सोडियम क्लोराइड H2 बना लेंगे, Cl2 बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए दोस्तों बेकिंग पाउडर का एक अव्यय सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी इसका अन्य अव्यय और क्या है, तो ये हो जाएगा टार्ट्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर 2। फिर देखिए दंत क्षय रोकने के लिए हमें नियमित रूप से दांतों में ब्रश करनी चाहिए, टूथपेस्ट कैसी प्रकृति का पूछ रहा है हमें, क्षारीय प्रकृति की होती है दोस्तों। फिर देखिए एक अम्ल और एक क्षारक के जलीय विलयन कौन सा कथन सत्य रहेगा, एक अमल और एक क्षारक के जलीय विलयन कौन सा कथन सत्य है, ये हमें बताना है। अब देखिए पीएच जितनी उच्च होगी अमल उतना प्रबल होगा, और ये गलत बात है भाई, जितनी पीएच ज़्यादा जाएगी वो सारी प्रगति का होगा, ये तो गलत बात होगी, पीएच जितनी उच्च होगी अमल उतना दुर्बल होगा, ये राइट बात है, पीएच जितनी कम होगी क्षारक उतना ही प्रबल होगा, ये बात कम है, कम होगी तो वो क्षारक प्रबल नहीं होता है वो दुर्बल होता है, तो ये 1 और 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएंगे। फिर देखिए दोस्तों पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस की पीएच होती है 7 से कम होती है, जठर रस होता है उसकी पीएच मान, जब अम्ल की एक उच्च मात्रा जल मिलाया जाता है निम्नलिखित कौन सी परिघटना होती है, देखिए अम्ल में आप जल मिला रहे हैं तो वो तन्मूकरण हो जाएगा जल का, ठीक है, और आयनीकरण हो जाएगा, 1 और 3 ऑप्शन राइट हो जाएंगे। दृष्टि दोष युक्त विद्यार्थी के लिए निम्नलिखित से
किसको अमल क्षारक सूचक के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं? वेनिला, सत, ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर देखिए दोस्तों, दांत के इनेमल में कैल्शियम फॉस्फेट होता है, इसकी प्रकृति है शरीर का सबसे कठोर भाग होता है दोस्तों इनेमल, ये बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का। ये हमें पूछ रहा है कैल्शियम फॉस्फेट किस प्रकृति का है, तो हम डायरेक्ट बता देंगे क्षारीय प्रकृति का है। मर्दा के नमूने को जल से मिश्रित किया गया है, इसे स्थिर छोड़ दिया गया है, स्वच्छ हरी विलम पीएच पत्र को पीला और नारंगी कर देता है, निम्न कौन सा पीएच पत्र के रंग को हरा नीला कर देगा, तो एक प्रति अमल होगा। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए हमारे निम्नलिखित से कौन अमल्य सामर्थ्य बढ़ता हुआ सही क्रम दे रहा है अमल के रूप में बनाएंगे, तो जल लीजिए सबसे पहले, ठीक है एसिटिक अमल, इससे बढ़ रहा है हाइड्रोक्लोरिक अमल, सबसे लास्ट में हाइड्रोक्लोरिक अमल आ रहा है, ये इसमें ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। फिर देखिए विद्यार्थी के हाथ पर दुर्गुणा व शानदार अमल की कुछ बूंदें गिर जाती है, उसे क्या करना चाहिए दोस्तों? तो उसे हाथ जल से अधिक मात्रा में धोएं, ठीक है दोस्तों, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पेस्ट लगा लें, क्योंकि अमल से है तो वो क्षारीय बदल देगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब एसिटिक अम्ल मिलाते हैं तो गैस निकलती है, मुक्त गैस में कौन सा कथन सकते हैं, ये हमें पूछ रहा है। ये चूने के पानी को डूंदिया कर देता है, बिल्कुल राइट बात है, ये जलती हुई तिली को भी बुझा देता है, क्योंकि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ये भी आप ध्यान रखना। यह सोडियम हाइड्रोजन कार्बन के विलयन को भूल जाती है, बिल्कुल करेक्ट बात है, तीनों ही करेक्ट बात है। चार नंबर ऑप्शन इसमें नहीं होगा। सामने लवण रसोई में उपयोग किए जाने के अतिरिक्त किसके निर्माण में कच्चे माल के रूप में उपयोग में होते हैं, ये हमें पता है रसोई में ज़्यादा करके पकौड़ों में बेकिंग सोडा का काम में लेते हैं। देखिए अमल ले रहे हैं हम HCl जल में गुजार रहे हैं, तो कौन सा कथन हमारे लिए सही रहेगा? ये विलयन आयनित नहीं होता, ये गलत बात है भाई, ये विलयन आयनित हो जाता है, राइट बात है, ये विलयन हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल आयन दोनों आयन देता है, ये जल अणु के छोर पर हाइड्रोनियम आयन बनाता है, तो ये ऑप्शन नंबर एक और चार करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोनियम आयन बनाएगा अस्थरी ओ आयन, ये होता है हाइड्रोनियम आयन। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए अम्लों के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन राइट होगा? अम्ल खट्टे होंगे, अम्ल हमेशा नीले लिटमस को लाल कर देंगे, हम कक्षा 6 से पढ़ते आ रहे हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के तनु जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन उपस्थित होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के तनु जलीय विलयन में, अब इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl H2O जैसे ही डलेंगे ये हाइड्रोनियम आयन प्लस क्लोराइड आयन में विभक्त हो जाएगा। फिर देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा एक नंबर, क्लोरक्षार प्रक्रम में अभिक्रिया सही प्रदर्शन को पहचानिए, क्लोरक्षार अभिक्रिया में आपको सारी राइट दिख रही होगी लेकिन ध्यान से देखिए, इसमें ये हो जाएगा एनिशियल 2H2, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में क्लोरीन प्लस में H2। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ऑप्शन नंबर चार हो जाएगा, देखिए ये सॉरी ऑप्शन नंबर चार हो जाएगा, इसमें ये तो हो गया एक्वा के रूप में जलीय विलयन के रूप में, क्लोरीन गैस के रूप में, H2 गैस के रूप में, ये तीन नंबर ऑप्शन इसलिए नहीं होगा, ये देखिए ये गलत कर रखा है, यहाँ ये यहाँ गलत कर रखा है, और एक नंबर ऑप्शन इसलिए नहीं हो रहा है, ये यहाँ लिक्विड फॉर्म में दिखा रखा है। ठीक है, फिर देखिए दोस्तों, कोई भी जिन लाल लिटमस को नीला कर रहा है, लाल लिटमस को नीला कर रहा है, इसका मतलब वो क्षारीय प्रकृति का है, क्षारीय प्रकृति का होगा, उसका पीएच मान हमें पता है 7 से 14 के बीच होगा, तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी। कोई भी जिन अंडे के पीछे भी कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो दूध या कर देती है, ऐसे विलयन का नाम हो जाता है केसियल। ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन।